और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से आप जानिए कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वादशी और दिन शनिवार है। द्वादशी तिथि आज सुबह 7:03 तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी जो कि आज देर रात 3:53 तक रहेगी। आज शनि प्रदोष व्रत है। आज दोपहर 12:07 से कल सुबह 8:17 तक सुकर्मा योग रहेगा। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की सुबह 4:05 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। क्या है कोरोना का भविष्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन, आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 13 दिसंबर की रात 12:45 से 1:40 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 दिसंबर की सूर्योदय से शाम 7:04 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:05 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:39 तक रहेगा, और फिर आज ही दोपहर 2:04 से शाम 7:49 तक भी रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:25 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:05 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 7:25 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:05 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 दिसंबर की सुबह 7:08 से 10:52 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 दिसंबर की रात 9:46 से 10:02 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 दिसंबर की दोपहर 2:23 से शाम 5:11 तक और शाम 7:26 से अगली सुबह 7:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 दिसंबर की रात 11:26 से 12:15 तक और रात 2:35 से अगली सुबह 7:07 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब भी अशुभ समय 13 दिसंबर की रात 9:20 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:40 से 10:58 तक। मुंबई सुबह 9:48 से दोपहर पहले 11:10 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:44 से दोपहर पहले 11 बजे तक। लखनऊ सुबह 9:23 से 10:42 तक। भोपाल
सुबह 9:33 से 10:54 तक, कोलकाता सुबह 8:49 से 10:10 तक, अहमदाबाद सुबह 9:52 से दोपहर पहले 11:13 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:12 से 10:30 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। घर से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा, आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे। आप जिन कामों को करने के लिए सोचेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा फायदा दे सकते हैं। आप जिंदगी के प्रति अपने नज़रिए को बहुत ही सकारात्मक पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, आपका ध्यान पढ़ाई से डाइवर्ट भी हो सकता है। महिलाओं के लिए दिन राहतपूर्ण रहने वाला है, परिवार के सभी लोग घर के कामों में आपकी सहायता करेंगे, अचानक धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। ऑफिस में अपनी प्रगति के बारे में विचार करेंगे, आगे बढ़ने के लिए आप कुछ नया सीखेंगे। इस राशि के जो लोग सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा आज आप कोई नया काम शुरू करने की भी सोच सकते हैं जो कि काफ़ी फलदायी होगा। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा, आपको आर्थिक लाभ होने वाला है। सेहत के लिहाज से भी आज आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। दोपहर तक आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है जो आपकी प्रतिभा मान सम्मान बढ़ाने में कारगर साबित हो सकती है। आपको कुछ ऐसे काम दिए जाएंगे जिन्हें आप आसानी से पूरा कर लेंगे। इस राशि के जो लोग विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं आज उन्हें किसी नई खोज में बड़ी सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, घर में सुख सौभाग्य बना रहेगा, पिता का ज़्यादा समय बच्चों के साथ बीतेगा जिससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। कारोबार में अचानक कोई रुकावट आ सकती है लेकिन परेशान न हो, किसी बड़े की मदद से जब जल्दी ठीक भी हो जाएगा सब कुछ। आज अपने मोबाइल का ध्यान रखें, नहीं तो जल्दबाजी में कहीं भूल सकते हैं। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा, कोई बड़ा फैसला करने के लिए आपको पहले थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ मामले उलझ भी सकते हैं। दूसरों की मदद करते करते खुद थकावट महसूस करेंगे, रुके हुए सारे काम आज पूरे हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। सोचे हुए काम को पूरा करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कोई काम किसी पर पूरी तरह से डिपेंड होकर ना करें तो ही अच्छा है, किसी बात को समझने में कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है। रोज़मर्रा और महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने में मेहनत और भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है जिससे शाम को आपके पैरों में दर्द रह सकता है। किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचें। कामयाबी जरूर हासिल होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन नई सौगात लेकर आया है। आज करियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे घर का वातावरण खुशनुमा हो जाएगा। सेहत आज फिट रहेगी, मन में पैसों को लेकर कई तरह के विचार आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए समय बेहतर है। इस राशि के जो लोग वकील हैं आज उन्हें किसी बड़े केस में जीत हासिल हो सकती है जिससे आपको काफ़ी धन लाभ भी होगा। स्वास्थ्य आज बहुत ही बढ़िया रहेगा, सारी परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका दिन खर्चीला रहने वाला है। जरूरत से अधिक चीज़ों की शॉपिंग हो सकती है, बेहतर होगा आज सामान की लिस्ट बनाकर ही बाजार जाएं। इस राशि के छात्रों को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, इसमें आपके गुरु आपकी पूरी सहायता करेंगे। इसके अलावा किसी नए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आपको पैसों की कमी भी महसूस हो सकती है लेकिन चिंता न करें, समय रहते आपको सभी समस्याएं आपकी दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस के किसी सहकर्मी से मदद मिल सकती है,
कार्यक्षेत्र में तरक्की होनी तय है। इस राशि की महिलाएं नए कपड़े या घर का कुछ सामान खरीदने के लिए शॉपिंग पर जा सकती हैं। आज किसी दोस्त की मदद से कोई जरूरी काम बन सकता है। कई तरह के रोचक विचार और योजनाएं बनेंगी। आज के दिन यात्रा करते हुए सामान या पैसों का ध्यान रखें, धन में वृद्धि होगी। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन सुनहरे पल लेकर आया है। आप जीवन साथी को कोई अच्छा सा सरप्राइज देने की योजना बनाएंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। आप खुद को दूसरों के सामने साबित करने में सफल होंगे। कामकाज से संबंधित अच्छे और व्यावहारिक आइडिया आपके दिमाग में आएंगे। जीवन में सीनियर्स का सहयोग बना रहेगा। बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। सेहत का खास ख्याल रखें। बाहर का ऑयली खाना खाने से बचें। कारोबार में उम्मीद से ज़्यादा लाभ होगा। रुका हुआ ढेर सारा धन वापस आएगा। आज के लिए आपको लकी कलर है आपका ब्लू और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता में बीतेगा। कामकाज में ज़्यादा मेहनत के बावजूद कुछ कम सफलता आपको मिल सकती है। किसी काम के लिए जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको उतनी ही परेशानी महसूस हो सकती है। आपके काम कुछ समय के लिए अटक सकते हैं। ऑफिस में काम का लोड बढ़ सकता है, लेकिन किसी जूनियर की मदद से पूरा हो जाएगा। बच्चे आज भाई बहन के साथ पार्क में घूमने जाएंगे। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा। जीवन साथी आपका मनपसंद खाना भी आपको बना के खिला सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। अपने बिजनेस में नए प्रयोग करने में आप सफल होंगे। आज आप जो भी काम करने की सोचेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पहले किए गए कामों से भी आज बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अधिकारी वर्ग आपके काम की तारीफ करेंगे। पार्टनर के साथ आप थोड़े रोमांटिक हो सकते हैं और कहीं डिनर पर भी जा सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े काम आज पूरे हो जाएंगे। आज रोजगार के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में नई ताजगी महसूस करेंगे। बस साथी पर विश्वास बनाए रखें। निवेश भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा। आज आपके मन से की हुई कोशिशें पूरी हो जाएंगी। आप सोशल मीडिया पर नए लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इस राशि के जो लोग अविवाहित हैं आज उन्हें विवाह का प्रस्ताव भी मिलेगा। बच्चे माता पिता के साथ बाजार घूमने जाएंगे, जिससे उनका मन काफ़ी प्रसन्न हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज सूर्यदेव को नमस्कार करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक पेड़ लगाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 2, आज आप कुछ जरूरी फैसले लेंगे। कोई भी फैसला लें तो सोच समझ कर लें। मूलांक 3, भाई अपनी बहन को कोई ड्रेस गिफ्ट करेगा, जिससे आपके बीच प्यार और बढ़ेगा। मूलांक 4, अपनी सहजता को सुनो और वो आपको सही दिशा में आगे लेकर जाएगी। मूलांक 5, सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे। मूलांक 6, आपको आज कोई बड़ी सफलता मिलेगी जिससे आप बहुत खुश होंगे। मूलांक 7, आपका ध्यान नियमित कामकाज को निपटाने पर जाता रहेगा। मूलांक 8, किसी पर गुस्सा करने से बचें, नहीं तो आपका ही कोई काम बिगड़ सकता है। मूलांक 9, जिस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं उसी कंपनी में आपको जॉब पाने का मौका मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे अन्य चीज़ों के उपहार में मिलने या किसी को उपहार में देने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप किसी शुभ प्रसंग में किसी कार्यक्रम में हाथी का जोड़ा गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है। आप सोने चांदी या लकड़ी का हाथी या अन्य लकड़ी से बनी कोई चीज़ गिफ्ट में दे सकते हैं। अगर आप किसी को उपहार के रूप में चांदी की कोई चीज़ गिफ्ट में दे रहे हैं या आपको किसी से गिफ्ट के रूप में मिलती है तो ये बहुत ही मंगलमयी माना जाता है। और अगर वो चांदी का सिक्का हो तो और भी अच्छा माना जाता है। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आप आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। इन सब के अलावा किसी को फूल गिफ्ट में देना भी शुभ होता है। फूल प्यार और सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए किसी को फूल देने या किसी से पाने पर आपसी प्यार बढ़ता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वादशी और दिन शनिवार है। द्वादशी तिथि आज सुबह 7:03 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, जो कि आज देर रात 3:53 तक रहेगी। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष।
दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है और प्रदोष व्रत में भी प्रदोष काल का महत्व होता है। प्रदोष काल का अर्थ वो समय जब दिन छिप जाता है यानी सूर्यास्त के ठीक बाद वाले समय और रात्रि के पहले पहर को प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा का विशेष विधान है। जिस दिन एक बार और ये भी कि जिस दिन जो दिन होता है उस हिसाब से त्रयोदशी तिथि वही प्रदोष कहलाती है। जैसे जब शनिवार के दिन त्रयोदशी पड़ती है तो वो शनि प्रदोष कहलाता है। आज शनि प्रदोष है और शनि प्रदोष के दिन भगवान शंकर के साथ ही शनिदेव की पूजा का भी बड़ा महत्व कहा गया। तो ये थी शनि प्रदोष की चर्चा और अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की। आज दोपहर 12:07 से कल सुबह 8:17 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग में सभी शुभ कार्य करने चाहिए। इस योग में नई नौकरी ज्वाइन करें या घर में धार्मिक कार्य का आयोजन करें, इस योग में किए गए कार्यों में कोई बाधा नहीं आती है। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की भोर सुबह 4:05 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस नक्षत्र को समृद्धि, शक्ति, सुंदरता, उपलब्धियों और खुशियों के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। विशाखा नक्षत्र में विवाह आदि मांगलिक कार्य, कारीगरी, चित्रकारी और औषधि से संबंधित कार्य आरंभ करना शुभ माना जाता है। विशाखा नक्षत्र का पेड़ विकंकत है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष है। किसी भी नक्षत्र के दौरान उसके पेड़ की उपासना करने से हर तरह के लाभ होते हैं। तो ये थी सुकर्मा योग और विशाखा नक्षत्र की चर्चा और अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की पूजा के बारे में। प्रदोष व्रत सूर्योदय से लेकर रात के पहले पहर तक किया जाता है। इस दौरान अन्न नहीं खाया जाता। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान शंकर की पूजा के लिए किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां जाकर सबसे पहले भगवान शिव के साथ माता पार्वती और नंदी को प्रणाम करें। फिर पंचामृत व गंगा जल से शिव जी को स्नान कराकर साफ जल से स्नान कराएं। बेलपत्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि से भगवान का पूजन करें और हर बार एक चीज चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस दिन भगवान शिव को घी और शक्कर मिले, जौ के सत्तू का भोग लगाएं और शिव जी के आगे घी का दीपक जलाएं। जो लोग संतान पाना चाहते हैं उन दंपति को तो प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए और दोनों को साथ में पूरे विधि विधान से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान की कृपा से आपके घर में जल्द ही किलकारियाँ गूंजेंगी। इस तरह शिव पूजन के बाद शनिदेव की भी पूजा करें और पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं। साथ ही एक तेल का दिया भी जलाएं और शनि के 108 नामों का जप करें। शनि के दर्शन के समय एक बात ध्यान रखें कि शनिदेव के दर्शन कभी भी सामने से न करें, हमेशा पीछे से करें। दर्शन करते समय शनिदेव की दृष्टि आप पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है वो नष्ट हो जाता है, इसको याद रखें। तो ये थी प्रदोष व्रत की पूजा की चर्चा और अब बात आज शनिदेव और भगवान शंकर की उपासना करके आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज के ग्रह नक्षत्र स्थिति में सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज किए जाने वाले उपायों के। अगर आप भविष्य में अपने करियर के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो आज आपको शिवलिंग पर काले तिल मिले हुए जल का अभिषेक करना चाहिए और अभिषेक करते हुए ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। अगर आप किसी काम के लिए ठीक से फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो आज आपको शनिदेव के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। शनिदेव का मंत्र इस प्रकार है, शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। अगर आप परिवार के मुखिया हैं और आज चाहते हैं कि परिवार के सब लोग आपके फैसलों में आपके साथ बने रहें तो आज आपको भगवान शंकर के आगे हाथ जोड़कर उनके इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। भगवान शंकर का मंत्र है, ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम। अगर आप अपने सारे कष्ट को दूर करके खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो आज पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही शनि के मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है, ओम प्रांग प्रींग प्रौं सह शनैश्चराय नमः। अगर आप काफ़ी दिनों से अपनी लड़की या लड़के के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है तो आज आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर और माता पार्वती को कलावे से एक सूत्र में बांधना चाहिए। साथ ही माता पार्वती को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए।
अगर आप आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं तो आज नीला पुष्प लेकर पीपल के पेड़ के पास रखकर घर वापस आ जाएं और घर आकर शनिदेव के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम शं शनेश्चराय नमः। अगर आप परीक्षा में अपने परिणाम को लेकर चिंतित हैं, काफ़ी मेहनत के बाद भी रिजल्ट को लेकर आपको एक पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है, तो आज आपको एक विद्या यंत्र लेकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद उसे अपने पढ़ाई वाले कमरे में रखना चाहिए, साथ ही पीपल की जड़ में डालना चाहिए। अगर आप जीवन में अपना खूब नाम कमाना चाहते हैं तो आज आपको शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करने चाहिए, साथ ही भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय। आप जीवन में खूब नाम कमाएंगे। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ नयापन लाना चाहते हैं तो आज आपको शिवलिंग पर 11 फूल और 11 बेलपत्तों से बनी माला चढ़ानी चाहिए, जल्दी ही आपके वैवाहिक जीवन में नयापन आएगा। अगर आप मशीनरी से जुड़ा कोई काम करते हैं लेकिन आपका काम ठीक से नहीं चल पा रहा है तो आज आपको शनि का दान लेने वाले व्यक्ति को सरसों का तेल और गुड़ दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपका काम ठीक से चलने लगेगा। आप अपने परिवार में सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको मंदिर में उड़द की दाल दान करनी चाहिए और पीपल के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। अगर आप ऑफिस में अपने सहयोगियों का साथ बनाए रखना चाहते हैं तो आज शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें, साथ ही शनि देव के मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है शं ओम शं नमः, शं ओम शं नमः। सहयोगियों का साथ बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज शनि प्रदोष के व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपका कोई फंसा हुआ केस आज फाइनल होगा। बी, पुराने बिजनेस में पहले से ज़्यादा फायदा होगा जिससे आपको बहुत खुशी होगी। सी, लवमेट आज अपने रूठे हुए साथी को मनाने के लिए एक अच्छी ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं। डी, परिवार में जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। ई, जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है जिससे आप थोड़ा उदास बने रहेंगे। एफ, लवमेट के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, पार्टनर के साथ किसी बेहतरीन जगह पर घूमने जाएंगे। जी, घर पर कोई मेहमान आ सकता है जिससे घर की खुशियों में और इजाफा होगा। एच, पेरेंट्स के लिए आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं जिससे पेरेंट्स आपसे बहुत खुश होंगे। आई, ऑफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए आज अनुभव काम आएगा। जे, कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए आज दिन शानदार रहेगा, आपका कोई प्रोजेक्ट पूरा होगा। के, लंबी यात्राओं से थोड़ा बचकर रहें, ये यात्राएं आपके लिए खर्चीली हो सकती हैं। एल, आज आपके मन में कुछ नए विचार आ सकते हैं, साथ ही कोई नया काम कर सकते हैं। एम, आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगेगा जिससे आपकी कंपनी को फायदा होगा। एन, मौसम को देखते हुए आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए, नहीं तो आपको खांसी जुकाम हो सकता है। ओ, अविवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, शादी के लिए प्रपोजल्स आ सकते हैं। पी, आपके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा, आपके लिए धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। क्यू, आप नया टीवी खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आर, घर पर अचानक से कोई मित्र आ सकता है, उसके आने से छोटी सी पार्टी रख सकते हैं। एस, घर में नया सदस्य शामिल होगा जिससे आपको बहुत खुशी होगी। टी, पुलिस कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा है। यू, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, ये मुलाकात आपकी बेहतरीन रहेगी। वी, किसी काम में आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, कोई भी निर्णय ले तो सोच समझ कर ले। डब्ल्यू, किसी कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं तो आज के दिन आपके लिए निवेश करना फायदेमंद रहेगा। एक्स, आपका कोई जरूरी काम बनते बनते रुक सकता है जिससे आप थोड़ा मायूस होंगे। वाई, आपके लिए आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आएगा, ये परिणाम व्यवसाय से जुड़ा होगा। जेड, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं जिससे आप अपने रुके हुए काम आसानी से पूरे करवा सकते हैं।
और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं ग्वालियर के शनिदेव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर ग्वालियर के पास ऐंती गांव में स्थित है। कहा जाता है कि ये मंदिर त्रेताकालीन है। इस मंदिर में शनिवार शनिदेव की प्रतिमा खास है। पहली ये कि इस मंदिर में स्थापित शनिदेव की आँखें बंद हैं और दूसरी खास बात यह है कि ये प्रतिमा आसमान से गिरे उल्का पिंड से निर्मित बताई जाती है, जिसके बारे में भक्तों में मान्यता है कि रावण की कैद से शनिदेव को आज़ाद कराने के बाद हनुमान जी ने ही शनिदेव को यहाँ विश्राम हेतु छोड़ा था, जिसके बाद यहाँ शनिदेव विराजमान हुए। यहाँ मंदिर के बाहर हनुमान जी की प्रतिमा भी विराजमान है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस प्राचीन और अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे पैरों के तलवों में मौजूद रेखाओं के बारे में। हाथों की तरह ही पैरों के तलवों में भी बहुत सी रेखाएं होती हैं, जो आपके भाग्य, आपके जीवन के बारे में बहुत सी बातें बताती हैं। जिस किसी के पैरों के तलवों में कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली के किनारे पर थोड़ी सी उठी हुई रेखा होती है, वह व्यक्ति भोग विलास में अधिक रुचि लेने वाला होता है। लेकिन अपने ऊंचे रसूख के चलते इन लोगों का समाज और कार्यक्षेत्र में बहुत नाम और यश होता है। भाग्य इनका पूरा पूरा साथ देता है, इसलिए इन्हें पैसों की कमी भी नहीं होती। धन की प्राप्ति कराने के कारण पैरों में स्थित इस रेखा को धनवान रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जिस व्यक्ति की जन्मकुंडली में बुध ग्रह अपनी प्रबल स्थिति में होता है, सामान्यतः यह रेखा उन्हीं के पैरों में पाई जाती है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 12 दिसंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 7:03 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल त्रयोदशी तिथि चल रही है। त्रयोदशी तिथि में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि आज रात 3:53 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, जो कल रात 12:45 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि में तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय कर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गाय को जल पिलाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।